लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने पर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल की घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए सांसदों को बताया कि लोकसभा सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार है और ये सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने साथ ही बताया कि लोकसभा सचिवालय सभी के साथ मिलकर काम करना चाहता है और सरकार का लोकसभा सचिवालय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दौरान कहा कि अराजकता ना फैलाएं, उन्होंने बताया। और यही ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आ रही कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर विपक्ष के सांसदों द्वारा हंगामा किया गया है और लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा शोर शराबा किया गया, जिस वजह से लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करी और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को अराजकता ना फैलाने की अपील की और कहा कि सभी को मिलकर इस घटनाक्रम पर साथ मिलकर काम करना होगा। और उन्होंने कहा कि ये लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए जांच समिति भी बिठा दी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया जिस वजह से संसद की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जी देखिए, जैसे ही आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्नकाल को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, मलुक नागर जो बसपा सांसद हैं उनका सवाल था, गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे थे, लेकिन उस बीच तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कल जो घटना हुई है, लोकसभा सचिवालय दरअसल संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखता है और ऐसे में लोकसभा सचिवालय की ये जिम्मेदारी है और इस मामले में वो उन्होंने कल बैठक भी बुलाई थी फ्लोर लीडर्स की और जब जब जरूरत होगी चर्चा करेंगे, लिहाजा एक तरह से अपील की कि लोकसभा की कार्रवाई चलने दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि सांसदों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अराजक जो तत्व है उनका पास रिकमेंड न किया जाए, सिफारिश न किया जाए। उन्होंने भी एक तरह से ये कहा कि इस मामले में जो जो संबंधित एक तरह से देखें लोकसभा सचिवालय वो कार्रवाई कर रहा है और संसद को लोकसभा को चलाने की अपील एक तरह से हुई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उससे अपनी बात रखी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोकसभा में हंगामा जारी रहा जिसकी वजह से 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है भावना कि इस पूरे मामले में जो कल हुआ, इस मामले में लोकसभा सचिवालय ने 8 कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है, यानी पहली कार्रवाई हम कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई जो चूक हुई इस मामले में की गई है, निलंबित किया गया है 8 कर्मियों को लोकसभा सचिवालय की तरफ से, ये सूत्रों ने जानकारी दी। तो आज का जो विधायी कार्य है शैलेंद्र, वो आगे किस तरीके से बढ़ेगा या विपक्ष ने आज ये ठान कर आए हैं कि वो हंगामा ही करेंगे और संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे? ये देखना होगा कि जब 2 बजे दोपहर बाद भोजनावकाश के बाद 2 बजे हम देखते हैं कि आमतौर पर कार्रवाई शुरू होती है, अब जब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई है, 2 बजे क्या स्थिति होती है, क्या रणनीति होती है विपक्षी दलों की, ये देखने वाली बात होगी। हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो न्याय संहिता को लेकर जो विधेयक है, पुराना बिल वापस लेकर सरकार नया बिल लेकर आई, उस पर चर्चा आज से प्रस्तावित है और आज कल चर्चा होनी है, इसके साथ ही साथ सोमवार को गृह मंत्री का जवाब भी होना है इस महत्वपूर्ण विधेयक पर। निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जाएगी कि दोपहर के बाद एक सहमति बनेगी और लोकसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा है इस संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, हम मोटे तौर पर देखें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चली है और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रगति हुई है। शून्यकाल में तमाम मुद्दों को उठाया है लोकसभा के सदस्यों ने या फिर राज्यसभा में सदस्यों ने, तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि 2 बजे एक सहमति बनी। ये देखना होगा कि विपक्षी दल क्या रणनीति लेकर आते हैं, 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होती है। जी, हालांकि शैलेंद्र, हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच समिति भी गठित की, साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी इस चीज को सराहा और उन्होंने, आपने जिस तरीके से बताया कि 8 कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है, तो पहली कार्यवाही तो हो चुकी है, फिर विपक्ष जो है किस बात के लिए हंगामा कर रहा है? देखिए, विपक्षी दल ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर एक चर्चा हो, राज्यसभा में इस बात की एक मांग की गई थी
कि इसमें सुरक्षा में चूक को लेकर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसमें जैसे ही ये कल ये घटना हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि तुरंत एक सर्वदलीय बैठक फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी, उसमें कुछ सहमति हुई थी कि ओवरऑल जो रिव्यू है संसद भवन परिसर की सुरक्षा का वो किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय को एक लोकसभा सचिवालय की तरफ से पत्र लिखा गया, लोकसभा सचिवालय की तरफ से शिकायत की गई, दिल्ली पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। आज 8 सुरक्षा कर्मियों को लोकसभा सचिवालय ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि दर्शक दीर्घा जब लोकसभा और राज्यसभा चलती है तब देश भर से दर्शक आते हैं, सांसदों के रिकमेंडेशन के बाद वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखते हैं। फिलहाल के लिए अगले आदेश तक के लिए जी तो वो पास रद्द कर दिए गए। शैलेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज क्या कहा है सदन की कार्यवाही में। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्र अधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्र अधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से ये वो अपील करते हैं कि अराजक लोगों के लिए पास ना बनाने का उन्होंने आग्रह किया। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने इस तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद चाहे वह पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए। शैलेंद्र के पास फिर से लौटना चाहेंगे। शैलेंद्र, हमने अभी सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं, ये जो मुद्दा है वो पक्ष या विपक्ष का नहीं है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, फिर जब वो पास बनाने की बात आती है ऐसे लोगों का पास ना बनाएं जो अराजकता फैलाते हैं, और यही बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कही। देखिए, निश्चित तौर पर देश की संसद की सुरक्षा की एक जिम्मेदारी होती है, हम जानते हैं कि उसके लिए बहुत कड़ी और सुरक्षा होती है। अब ये जो एक तरह से कल घटना हुई इसके बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई कि संसद भवन परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत है कि कैसे वो अंदर आए और कैसे जो घटना घटी उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद से लगातार इस पर बैठकों का दौर जारी है, कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया होती है जब सांसद तमाम दर्शक दीर्घा के लिए लोग आना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र से उनके लिए सिफारिश करते हैं तो ये बात आज रक्षा मंत्री ने कही कि सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों थोड़ा इस मामले में सावधानी बरते कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड रहा हो या फिर उन्हें लगता हो संदेहास्पद हो तो उनका उनकी सिफारिश ना करें और इसमें सभी को एक सावधानी बरतने की जरूरत है, सांसदों को चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जिससे इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरह के कोई बैकग्राउंड वाला व्यक्ति संसद भवन परिसर में प्रवेश ना कर पाए। तो हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि जो ओवरऑल रिव्यू की बात की जा रही है यानी एक पूरी समीक्षा संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था की वो होने जा रही है, कल उसके लिए आदेश दिए गए हैं, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और प्राथमिक तौर पर जो पहली बड़ी कार्रवाई की गई है, 8 ऐसे कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। तो जहां तक आज विपक्ष का हंगामा है, निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि ये उचित नहीं है सदन के अंदर हंगामा, चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें सभी को मिल बैठकर सोचना है कि कैसे इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। जी शैलेंद्र, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहां पर भी इसी मामले को लेकर हंगामा हुआ। और राज्यसभा से शैलेंद्र आप जुड़े रहिए हमारे साथ, राज्यसभा की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? जी हाँ, जिस तरीके से अभी सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने सबसे पहले कल हुई घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी और बताया कि किस तरीके से इसमें लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में और गृह मंत्रालय को जो जांच सौंपी गई है उसके बाद इस पर जो जांच चल रही है और कार्यवाही की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। इस सभी जानकारी को जब सदन के सामने उन्होंने रखा और उसके बाद विपक्ष के द्वारा तमाम सांसदों के, तकरीबन 18 सांसदों के द्वारा नियम 267 के तहत, यानी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत सुरक्षा के मसले पर उन्होंने चर्चा की मांग की, जिसे कि सभापति ने खारिज कर दिया। और उसके बाद सभापति के माध्यम से सदन को कार्यवाही को जब आगे बढ़ाया गया, खासतौर से जो सांसदों के द्वारा शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको उठाया जाने लगा, तो उसी समय विपक्ष के सांसदों की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव और चर्चा तत्काल कराए जाने को लेकर शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया गया, जिसमें कि डायरेक्ट ओब्रायन वेल में आ गए और उनको बार बार सभापति के द्वारा चेतावनी दी गई थी वो ऐसा ना करें और वे अपनी सीट पर जाएं, उसके बाद उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सभापति ने डायरेक्ट ओब्रायन को सदन से बाहर जाने को कहा। जी। जब ऐसा भी नहीं हुआ और उन्होंने सभापति की बात नहीं मानी तो सभापति ने सदन में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा इस तरीके से शोर शराबा और हंगामा किया जा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने 11:30 बजे सभी विपक्ष के सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को अपने चैंबर में बुलाकर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बुलाया है और सदन को इसी वजह से 12 बजे तक स्थगित किया गया है। जी करेगा ऋषि, जिस तरीके से अब संसद की सुरक्षा का किसे जुड़ा जो कल घटनाक्रम देखा, उसके बाद अब लोकसभा सचिवालय या संसद सचिवालय द्वारा ऐसे क्या निर्णय लिए गए हैं जिससे आगे इस तरीके की घटनाक्रम ना हो? देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं कि संसद की सुरक्षा को लेकर पहले से ही नियम बने हुए हैं और इस मसले में 2001 में जब ये घटना हुई थी संसद पर हमले की, उसके बाद जो सुरक्षा के जो पहलू है वो पूरी तरीके से 100% सुरक्षित माहौल में संसद की कार्यवाही चलती है। और इस मसले में संसद की जो सुरक्षा है, व्यापक सुरक्षा यहाँ पर है, और इस मसले में जब कल की घटना को देखते हैं तो उसके बाद निश्चित तौर से सुरक्षा से संबंधित जो तमाम पहलू हैं उनकी समीक्षा की जा रही है और किस तरीके से कहाँ चूक हुई है इन सब चीजों को भी जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से इस पर जांच अभी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कुछ जो सुरक्षा कर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, तो जहां से जिसने अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा नहीं किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी संकेत मिल रहे हैं और ये कार्रवाई होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से कल घटना हुई है उसमें किसी न किसी की तो चूक है। और इसको यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीफिंग के जरिए अभी संसद भवन परिसर में तमाम जो मीटिंग्स हैं उनका दौर चल रहा है, लेकिन दोनों सदनों को जिस तरीके से सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने चलाने की कोशिश की, उसके बाद विपक्ष के द्वारा जो हंगामा शोर शराबा किया गया उसके वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। जी ठीक बात ऋषि, यहाँ मैं शैलेंद्र के पास भी जाना चाहूंगी। शैलेंद्र, हमने सुना कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आगे से भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे मामले ना हो, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो क्या आज ऐसी मीटिंग्स हो सकती है, क्योंकि कल से ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मिलकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जब उन्होंने कहा है कि आज भी वो बैठने को तैयार है तो देखना होगा क्या वो फिर बुलाते हैं अगर ये गतिरोध कायम रहता है। हम जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति ने तो 11:30 बजे सदन के
प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। जो फौरी कदम की आप बात कर रहे थे, जानते हैं कल ही ये फैसला हुआ कि फिलहाल जो दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी होते हैं, भीड़ ना हो संसद भवन परिसर में, तो अगले आदेश तक यानी सिक्योरिटी रिव्यू तक जब ऊपरी प्रक्रिया हो जाएगी तब तक दर्शकों को अनुमति नहीं होगी, उनके लिए पास जारी नहीं होगा, जिससे भीड़ कम होगी संसद भवन परिसर में। इसके साथ ही साथ जो सांसदों के पीए हैं उनको भी एक निश्चित जगह तक ही आने की अनुमति होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूर्व सांसदों के लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है जहां तक संसद भवन परिसर में प्रवेश का सवाल है। तो इस तरह के कदम उठाए गए हैं, हम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कि और एक तरह से कड़ी नजर आ रही है। तो ये फौरी उपाय जो तुरंत हम कह सकते हैं कि जो उपाय उठाए गए हैं कल के बाद, जिससे कि संसद भवन परिसर के अंदर भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो, खासतौर पर जो देश भर से दर्शक आते हैं देखने के लिए उनके लिए पास रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आगे जब सिक्योरिटी रूबे के बाद देखना होगा कि कौन से और कदम उठाए जाने की जरूरत है, उस पर उचित फैसला समय पर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि कल की घटना के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लोकसभा सचिवालय ने आदेश दिया था, उसके बाद 8 कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, सिक्योरिटी रिव्यू के लिए भी पत्र जारी हो चुका है, तो तमाम उपाय फौरी तौर पर किए गए। जी ऋषि, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूंगी कि जांच समिति बिठा दी गई है, वहीं सीआरपीएफ के डीजी को भी नेतृत्व दिया गया है कि वो जांच करें, वहीं संसद सचिवालय भी अपनी तरीके से जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच की बात करें जाए तो इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो क्या ऐसी जानकारी सामने आ रही है अभी? देखिए, जहाँ तक इन लोगों के बारे में जो जानकारी है, सबसे पहले कि जो जांच एजेंसीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने जब ये घटना यहाँ पर की है तो इसके पीछे मंतव्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पार्लियामेंट जो हमारी लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक है, और उसमें अगर कोई व्यवधान डालता है या उसमें गतिरोध उत्पन्न करता है या उसकी अवमानना करता है, और जिस तरीके से कल जो घटित हुआ है वह बेहद दुखद है, और इसमें ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है इसके पीछे मंतव्य क्या है और क्या कोई इसमें कोई और इनके पीछे मास्टरमाइंड है जो जिसने ये घटना करवाई है, तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है इसकी जांच करना सुरक्षा एजेंसियों का पहले उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जो दो व्यक्ति सदन के अंदर आए थे उनको गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन उनके तार किससे जुड़े हुए हैं, वो क्या चाहते थे, वो किस सोच के तहत उन्होंने ये घटना घटित की है, तो ये जो सब पहलू है और उनसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक पांचवा व्यक्ति और है जो कि इनके साथ मिला हुआ था, और जो तमाम लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़े रहे थे, अभी हमने देखा है कि इनके परिवार के लोगों के साथ भी सुरक्षा एजेंसियों ने संपर्क आदा है और उनके साथ ही उनकी बातचीत चल रही है, जानने की कोशिश हो रही है कि ऐसा इन्होंने अब तक पहले इनका रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये जो तमाम पहलू हैं, क्योंकि इस संसद की सुरक्षा ये मात्र एक घटना की तरह नहीं बल्कि इसको एक प्रक्रिया के तौर पर देखना होगा, जिसमें कि अगर इसकी कहीं न किसी और जगह से कोई सूत्र बनते हैं तो उसको भी एक्सपोज करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी एक जांच एजेंसी की प्राथमिकता होगी। ठीक, यहाँ मैं शैलेंद्र के पास जानना चाहूंगी। शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सभी जानते हैं, और उन्होंने ये भी अपील की कि अराजकता ना फैलाएं। उन्होंने साथ ही साथ कहा आगे के लिए भी ऐसे पास ना बनवाएं जाए जिससे संसद की सुरक्षा में कोई भी चूक हो सके। अब जांच समिति बैठ गई है, क्या जो जांच समिति है उसको कोई समय सीमा दी गई है? देखिए, कोई समय सीमा की बात नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ये जो सुरक्षा पहलू है उस पर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि आगे ऐसा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हो सकता है कि सांसद जो पास रिकमेंड करते हैं उनकी प्रक्रिया को रिव्यू किया जाए। हमने देखा कि कुछ सांसदों ने इस बात की मांग की है कि जब सांसद किसी के लिए दर्शक दीर्घा के लिए पास रिकमेंड करते हैं तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उनको जानते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के हैं। आज रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कहा कि सांसदों को ध्यान देना चाहिए कि कोई अराजक व्यक्ति संसद भवन परिसर में प्रवेश न करे, क्योंकि आप प्रक्रिया देखें, सरकारी अधिकारियों या लोकसभा के सचिवालय के काम कार्य में लगे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके अलावा हम देखें तो वही अंदर प्रवेश कर सकता है दर्शक दीर्घा के तौर पर, जिसे सांसद के जरिए एक रिकमेंडेशन होता है।
तब उनका प्रवेश अंदर हो पाता है। इसके अलावा मीडिया कर्मी होते हैं, उनको भी एक तय प्रक्रिया के तहत बहुत चुनिंदा मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश मिलता है। और हम जानते हैं कि सांसदों के अलावा बाकी आप देखें कि जो भी संसद भवन में परिसर में प्रवेश करता है उनको एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है, कई जगह पर उनकी सुरक्षा चेकिंग होती है। तो ऐसे में बहुत मजबूत और सख्त सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है और ये माना जाता है कि एक अभेद सुरक्षा व्यवस्था संसद भवन परिसर की है। लेकिन जब कल घटना हुई उसके बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एक सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या क्या सिफारिशें होती हैं। ठीक शैलेंद्र, साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में भी जंपिंग जैसी वारदातें जो हैं वो देखने को मिली हैं और संसद सचिवालय ने हमेशा एक्शन लिया है। रक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई घटना होती है तब उसकी जांच में एक समय लगता है, उसके बाद विचार विमर्श के बाद एक सिफारिश होती है। तो रक्षा मंत्री यही कहना चाह रहे थे कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं लोकसभा सचिवालय की तरफ से, जैसा लोकसभा अध्यक्ष ने खुद कहा है। तो ऐसे में संकेत यही था कि अब विपक्षी दलों से अपील भी थी कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, सब मिल बैठकर इस जो घटना हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं, बैठकें भी बुलाई गई हैं और उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो उस तरफ एक संकेत दिया गया था। हम जानते हैं कि जब ये घटना हुई उसके बाद हमने देखा कि तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी, क्या कुछ हुआ था, और उसके तुरंत बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी, उसके बाद तमाम फौरी तौर पर कदम भी उठाए गए थे कि कैसे जो मुख्य द्वार है, मकर द्वार जिसे बोलते हैं, जिससे सांसदों का प्रवेश होता है, वहां पर भीड़ भाड़ कम की जाए, कैसे तुरंत ही अगले आदेश तक दर्शक दीर्घा के पास रद्द किया जाए, कैसे सांसदों के जो सहायक है उनके आवाजाही को एक सीमित किया जाए या फिर एक सीमित जगह तक उनको आने जाने दिया जाए, अन्य भी तमाम कदम उठाए गए हैं। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि थोड़ा भीड़ भाड़ के लिहाज से देखें तो संसद भवन परिसर में जब सत्र चलता है तो काफी भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल कल की घटना के बाद दर्शकों के पास रद्द होने के बाद, दर्शक दीर्घा के लिए पास रद्द होने के बाद काफी उस लिहाज से देखें तो भीड़ संसद भवन परिसर में कम है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो फौरी कदम उठाए जा सकते हैं कदम उठाए भी गए, तो त्वरित कार्रवाई तो हुई है, हुई ये हमने देखा और आज भी हमने देखा कि कैसे 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। तो पहला सचिवालय का जो कार्यवाही आगे बढ़ाने का सिलसिला है वो तो शुरू हो गया, लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे UAPA के तहत, धारा के तहत अब जाँच चल रही है इनके खिलाफ जिन्होंने कल इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया। साथ ही शैलेंद्र, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी कि कल जब ये घटनाक्रम हुई तब पक्ष विपक्ष नहीं देखा गया, जैसे ही दीर्घा गैलरी से ये युवक कूदा सभी साथ मिलकर उस पर कार्रवाई करने के लिए आए, तो यहाँ राजनीति से परे भी हमने एकजुटता देखी। निश्चित तौर पर जब ऐसी घटना होती है तब इसमें राजनीति होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, और सभी सांसदों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि ये सुरक्षा को लेकर जब एक तरह से सवाल सामने आया कि कल जब एक चूक हुई, और इस बात को सभी ने माना, सत्ता पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो, कि ये एक चूक हुई और इसके कहां ये चूक हुई, क्यों चूक हुई और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए पूरी एक कार्रवाई होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इसके तुरंत बाद से बैठकों का दौर जारी है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और तुरंत ही जो प्राथमिक तौर पर जिन सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही पाई गई उन्हें निलंबित किया गया है, गृह मंत्रालय को सिक्योरिटी रिव्यू का आदेश भी लोकसभा सचिवालय की तरफ से दिया गया है, पत्र लिखा गया है, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, कहां से इन लोगों के तार जुड़े हैं, जुड़े हो सकते हैं, क्या इसके पीछे कुछ और लोग मास्टरमाइंड है, इन सब की सब पहलुओं की जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। जी ऋषि, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल सुरक्षा में जो चूक हुई, लेकिन आज जब सांसद प्रवेश करे सदन में तो क्या संसद में सुरक्षा के ज्यादा पुख्ता इंतजाम थे या कोई परिवर्तन किया गया था सुरक्षा के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, देखिए कल की घटना के बाद निश्चित तौर से जो सुरक्षा के जो पहलू हैं उनको एक बार फिर से रीथिंक करके जितने और ज्यादा सुझाव आए कि किस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। हमने देखा कि जो आमतौर पर गरुड़ द्वार के सामने जो भीड़ भाड़ हो जाती थी उसको अब पूरी तरीके से सैनिटाइज करके ऐसा कर दिया गया है कि वहां पर सिर्फ सांसद ही जा सकते हैं, और जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसको भी बहुत ज्यादा नियमित किया गया है। इसके अलावा संसद भवन परिसर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कई जगह पर जो चेकिंग है वो भी शुरू कर दी गई है, और उसी व्यक्ति की गाड़ी अंदर जा सकती है
या कोई व्यक्ति जा सकता है संसद भवन परिसर की ओर जिसके पास एक वैलिड आईडी कार्ड है और जो कि संसद भवन परिसर का खास तौर से जो आई कार्ड होता है उसके आधार पर। तो हालांकि ये पहले भी हुआ करता था लेकिन अब इसको और ज्यादा सख्त कर दिया गया है और जो मूवमेंट है उसको भी जिसे कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, सबके लिए जो अलग अलग स्थान है उसको और ज्यादा स्पेसिफाइड करते हुए जो इंतजाम है और खासतौर से मीडिया के लिए भी जो पहले स्थिति हुआ करती थी उसको और ज्यादा रेगुलराइज करके जो मीडिया का जो स्टैंड है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर आइडेंटिफाई करके उनको जगह दी गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी केओस ना हो और जो भी जरूरत है मीडिया की वो वहां से पूरी हो सके। जी शैलेंद्र, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूंगी कि समिति में दी गई सिफारिशों में एक ये भी सिफारिश आई है कि आगंतुक जो दीर्घा है वहां पर एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया जाए ताकि इस तरीके की घटना आगे वाले आने वाले भविष्य में ना हो सके। शैलेंद्र, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी शैलेंद्र, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तमाम मांग की गई थी कि कैसे और बेहतर सुरक्षा की जा सकती है, इसमें उसके तहत एक ये उपाय आया था कि कोई दर्शक दीर्घा से कूद ना सके उसके लिए वहां पर शीशा लगाया जाए, मकर द्वार से जो सांसदों की एंट्री होती है उसमें और कोई उस द्वार से एंट्री ना करे उसको लेकर इंतजाम किए जाए, साथ ही साथ मकर द्वार के आसपास भीड़ भाड़ कम करने की भी बात हुई, दर्शक दीर्घा के हम जानते हैं कि फौरी तौर पर पास रद्द करने पर सहमति हो ही गई थी, सांसदों के पीए की आवाजाही सीमित करने पर भी सहमति हो गई थी, इसके साथ ही साथ सांसदों के रिकमेंडेशन को लेकर क्या कुछ और आगे हो सकता है उसके लिए चर्चा हुई थी, अब अंतिम तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फौरी तौर पर जो कदम उठाए जा सकते थे वो तुरंत ही कल की बैठक के बाद उसमें आदेश जारी हो गए और हमने देखा कि देर रात और सुबह खबर आई कि 8 कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया, तो हम निश्चित तौर पर देखेंगे कि आगे कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन अब एक पूरे व्यापक ओवरऑल समीक्षा के बाद सुरक्षा समीक्षा के बाद ही हम देखेंगे कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ कदम उठाए जाएंगे, जिन कदमों की तत्कालिक जरूरत थी उसे कल देर रात और आज सुबह हमने देखा कि उन कदमों को उठाया जा चुका है। ठीक ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा में ऐसे कौन से विधायी कामकाज हैं जो आज सूचीबद्ध हैं? देखिए जहां तक राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो हम जानते हैं कि इस समय शून्यकाल के दौरान तमाम सांसदों को अपने अपने क्षेत्र के और अपने अपने जो मुद्दे हैं उठाने के लिए सभापति ने अवसर दिया था, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होनी है और जो विधायी कार्य है जिसमें विधेयकों को पेश करने के लिए जो दोपहर के बाद समय रखा गया है उस समय को भी मुकर्रर करते हुए उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को सुनिश्चित करते हुए ही हम इन विधायी कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब गतिरोध हुआ है तो ऐसे में जो कार्य स्थगन की जो कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा वो एक बड़ा मसला है और आज जिस पर की एक सांसद जो डेरेक ओब्रायन है टीएमसी के सांसद उनको चेतावनी देने के बावजूद भी जब उन्होंने सभापति की बात नहीं मानी तो अब लगता है कि इस मसले पर कोई जो सभापति के साथ बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरीके से कामकाज को अब आगे बढ़ाया जाएगा। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष अब हंगामा कर रहा है क्या ऐसा नहीं लगता कि हंगामा ना करके इसको एक सहज तरीके से बातचीत करके चर्चा करके सभी को मिलकर ऐसी सिफारिशें लानी चाहिए ताकि इस तरीके की सुरक्षा में जो सेंध हुई है वो आगे कभी ना हो? देखिए सत्ता पक्ष यही कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ने भी और राज्यसभा के सभापति ने भी इस बात को कहा कि कल की घटना का संज्ञान लिया गया और तुरंत ही बैठक बुलाई गई थी, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा और आगे भी जरूरत होगी तो तमाम दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी और निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को इंतजार करना चाहिए, संसद में हंगामे की बजाय इसमें जो कार्रवाई कर रहा है लोकसभा सचिवालय उस पर जो सुझाव दे सकते हैं, जब समय समय पर बैठक बुलाने की बात लोकसभा अध्यक्ष ने कही है तो निश्चित तौर पर उस पर आगे बढ़ना चाहिए और सदन की कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चले ये जरूर सत्ता पक्ष चाहता है और लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि आप अगर चाहते हैं कि फिर से बैठक होना तो तैयार है, तो ये संसद की कार्रवाई में बाधा डालना उचित नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा कि शैलेंद्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह आश्वासन दिलाया कि ये जिम्मेदारी मेरी है,
अगर कुछ ऐसी सुरक्षा में सेंध हुई है तो वो सभी से चर्चा करके इसका निष्कर्ष निकालेंगे, जांच समिति के द्वारा जो भी सिफारिशें आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई तो हम देख ही रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हो ही गई है। तो क्या इस आश्वासन से विपक्ष संतुष्ट नजर आ रहा है? देखिए, जब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तब देखना होगा कि विपक्षी दल कितना संतुष्ट होते हैं या फिर उनकी क्या रणनीति होती है। लेकिन जहां तक लोकसभा अध्यक्ष का सवाल, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि संसद की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो संसद के सचिवालय की है, विशेष तौर पर लोकसभा की है। ऐसे में जो जो कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी सभी से बात करके कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसके बाद हमें कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को एक संदेश भी गया है। अब देखना होगा कि 2 बजे विपक्षी दल क्या रणनीति अपनाते हैं। ठीक बात शैलेंद्र, जैसे कि अगर आज के विधायी कामकाज की बात करें तो 3 ऐसे नए क्रिमिनल बिल हैं आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधार में लाने के लिए। तो ये जो 3 नए क्रिमिनल बिल लाए जा रहे हैं उसमें 5 खंडों में बदलाव भी किया गया है, कितने महत्वपूर्ण है ये विधेयक? जी देखिए, हम जानते हैं कि ये 3 विधेयक आए थे जब गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया था। उसके बाद संसदीय समिति को ये विधेयक भेजे गए थे और वहां से कुछ सिफारिशें आई, कुछ सिफारिशों को माना गया है और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ ग्रामेटिकल त्रुटियां थी, तो पुराने विधेयक वापस लेकर नए विधेयक पेश किए गए और उस पर आज से चर्चा शुरू होनी है। विस्तार से जो बदलाव की बात है उस पर चर्चा होगी और एक हम जानते हैं कि नई न्याय संस्था बनाने की बात है, तो ऐसे में एक विस्तार से 15 घंटे की चर्चा भी रखी गई, यानी आज चर्चा होगी, दोपहर बाद कल चर्चा होगी और सोमवार को गृहमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर अलग अलग पहलू सामने आएंगे। इसके प्रमुख प्रावधानों में एडल्ट्री को लेकर जो कुछ कहा गया था, संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि इसको आपराधिक मामला बनाया जाए। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के जरिए इसे आपराधिक न मानते हुए रद्द कर दिया था। अब जो नया बिल आया है उसमें संसदीय समिति की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं माना गया है, जैसे ऐसे स्पष्ट तौर पर संकेत है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य जो सिफारिशें हैं उनको माना भी गया है, तो वो एक पूरा नया बिल है। इसके तमाम प्रावधान है और व्यापक बिल है। ऐसे 3 बिल है, हम जानते हैं नई न्याय संहिता बनाने के बाद और जो अंग्रेजों चक्र के जमाने का जो IPC है उसको बदलने की बात है, इसीलिए एक व्यापक चर्चा रखी गई है। और 2 दिन की चर्चा के बाद 3रे दिन गृहमंत्री अमित शाह का जवाब होना, उसके बाद ये विधेयक पारित होगा। ठीक बात, यहाँ मैं ऋषि के पास भी जाना चाहूंगी। ऋषि, जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले बताया कि TMC सांसद डेरेक ओब्रायन जो वेल तक उतर आए और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई इस पर, उन्होंने कहा कि उनका जो सिर है वो शर्म से झुक रहा है इस तरीके की घटना को देखकर। पहले ही जो राष्ट्र है वो सुरक्षा में सेंध से लेकर चिंतित है और इस तरीके से जिस विपक्ष का इस तरीके से सदन की कार्यवाही में ऐसे इस तरीके के एक्ट करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है। बिल्कुल, देखिए सभापति ने बार बार उन्हें चेतावनी दी और यहाँ तक कहा कि अगर आप किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सीट पर जाना होगा, और उन्होंने पहले उनसे आग्रह किया कि आप अपनी सीट पर जाएं, लेकिन जब उन्होंने उनके आग्रह को ठुकराया तो सभापति ने पहले उनको चेतावनी भी दी। और एक प्रोसीजर के तहत हम जानते हैं कि जब कोई सांसद वेल में आता है तो पहले उनको वापस जाने को कहा जाता है और जब वो नहीं मानते हैं तो उनका नाम लिया जाता है। जब नाम लिया जाता है उसके बाद सदस्य समझ जाते हैं कि सभापति अब इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, और अमूमन हमने देखा है कि नाम लिए जाने के बाद सांसद वेल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इससे एक कदम और जाकर सभापति द्वारा नाम लिए जाने के बावजूद जब वो नहीं माने और जो उनके आदेश की अवहेलना हुई तो उन्होंने सदन से बाहर जाने को कहा। सांसद के खिलाफ कार्रवाई का एक पहला हिस्सा होता है जब अवहेलना होती है सभापति की। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद, और खासतौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पहलू पर जबकि सुरक्षा से लेकर जो तमाम मसले हैं जी, उन पर चर्चा हो रही है, जांच चल रही है, और उसमें सभापति ने पहले ही सदन के सामने इसको विस्तार से रखा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर पूरी अथॉरिटी के साथ इस पर काम कर रहे हैं और जो जांच समिति बनाई गई है वो इस पर विस्तार से जांच करके कार्यवाही और जो भी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया, लेकिन इस आग्रह को जब ठुकराया गया इसी वजह से सभापति ने 11:30 बजे इनको बुलाया था। मीटिंग चल रही है, देखना होगा इस मीटिंग का क्या पटाक्षेप होता है और किस तरीके से सभापति जब 12 बजे सदन में आते हैं तो उस समय पता चलेगा कि
क्या कोई कार्यवाही की गई है या उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। जी ठीक शैलेंद्र, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी ये टिप्पणी आई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ ही साथ सचिवालय ने भी जिम्मेदारी ली है। तो देश अपने आप में सरकार भी और सचिवालय भी दोनों मिलकर ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ सुरक्षा में ज़रूर जो चूक हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। तो अब विपक्ष की जो आगे की रणनीति होगी वो किस तरह के काम करेगी? देखिए इस मामले में विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है ये अब 2 बजे देखना होगा, लेकिन विपक्षी दल ये चाहते हैं कि इस तरह की व्यापक चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, और उसको लेकर देखे मांग भी राज्यसभा में हुई थी, तमाम विपक्षी दल के सांसद मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई और उसमें जो सुझाव रखे गए उसमें कुछ सुझावों पर तुरंत अमल किया गया, एक व्यापक जांच के लिए कहा गया है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तब तक जांच आने तक इस तरह की एक तरह से देखे जो मांग है इसका कितना उचित है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि देखिए सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का सांसद हो, कि पास सिफारिश करते वक्त वो ध्यान रखें और जो फौरी उपाय किए जाने, हम जानते हैं कि वो तुरंत ही कल की घटना के बाद वो उपाय किए गए हैं, जो संसद भवन परिसर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हमने देखा तुरंत अगले आदेश तक उठाए गए। तो जब तक सिक्योरिटी की पूरी समीक्षा नहीं हो जाती, जो व्यापक कदम उठाए जाने हैं उनकी घोषणा नहीं हो जाती, तब तक मुझे लगता है कि एक इंतजार करना चाहिए सभी दलों को। और हमें ये लगता है कि शायद यही बात आज कहने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही थी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे एक तरह से सभी को मिल बैठकर आगे क्या कुछ हो सकता है उस पर सुझाव देने हैं, अमल में लाना है। तो ये इसको एक जी शैलेंद्र और ऋषि आप यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।